गुरमीत राम रहीम 25 अगस्त को साध्वी यौन शोषण मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद से रोहतक की सुनारियां जेल में बंद है। उन्हें जेल में अब 43 दिन बीत चुके हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि राम रहीम को अब जेल की दाल रोटी रास आने लगी है, लेकिन जेल में रहते हुए उनका वजन जरूर घट गया है। वे जब जेल गए तो उनका वजन 90 किलो था, जो अब लगभग 84 किलो हो गया है। जेल में जाने के बाद शुरुआती दिनों में गुरमीत राम रहीम रोटियां कम खा रहा था, जबकि कैंटीन से फ्रूट व अन्य चीजों की डिमांड करता था। अब जैसे जैसे समय बीत रहा है, उसने जेल की रोटियां खानी शुरू कर दी हैं। गुरमीत राम रहीम जिस दिन जेल गए थे, उसी दिन उनके जेल अकाउंट में 18,000 रुपए डलवाए गए थे। इसके बाद उनकी मां नसीब कौर जेल में मिलने गई थी, उन्होंने उनके जेल अकाउंट में 5,000 रुपए डलवाए थे। गुरमीत राम रहीम की बीपी और शुगर की दवाइयां अभी भी चल रही है, उसे एम्स के डॉक्टरों के पैनल द्वारा तय की गई दवाइयां दी जा रही है, उनका लगातार चेकअप भी किया जा रहा है। राम रहीम को हनीप्रीत की गिरफ्तारी की खबर मिल चुकी है। उसके वकील रहे इसके गर्ग ने हनीप्रीत की गिरफ्तारी की जानकारी उसे दी। वे हनीप्रीत की गिरफ्तारी के अगले दिन गुरमीत राम रहीम से मिलने के लिए सुनारिया जेल पहुंचे थे, जहां उन्होंने राम रहीम को यह सूचना दी।